कि समझूंगा तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारे हालात समझूंगा, तुम गुजर जाना करीब से, मैं मुलाकात समझूंगा। एंड अगेन एक और जाड़े के मौसम के लिए सबसे ज्यादा अच्छी लाइंस मुझे ये लगती हैं, समझ में आती हैं, गर्मियों में किसी के समझ में नहीं आएगा, कि मैं जलना शुरू हुआ बहुत हाथ आ गए, मुझको लगा मददगार मेरे साथ आ गए, मैं जलता रहा रूह कांपती रही, वो दुनिया थी और हाथ तापती रही। थैंक यू सो मच, इतनी क्लैपिंग नहीं डिजर्व करता हूँ मैं यार, अभी थोड़ा कम करो। परिंदे का दर्द हम बयान करने की कोशिश करेंगे। एक परिंदा जिसकी कोई खता नहीं है वो कैद में है क्योंकि उसके पर रंगीन है। उसका दर्द कुछ ऐसे है कि बहुत दिन हुए अपना जहां नहीं देखा। हाँ भाई ये आपके लिए। बहुत दिन हुए अपना जहां नहीं देखा, पर हैं पर आसमान नहीं देखा। मैं पिंजरे में हूं पर जीने का बहाना है, कटोरी में थोड़ा पानी है और थोड़ा दाना है। मेरा मालिक मेरे पास आता है, कुछ कहता है पर देखता नहीं मेरी आंख से जो आंसू बहता है। वो इंसान है जो चाहे वो बोल सकता है, जब चाहे वो मेरा पिंजरा खोल सकता है, पर मैं कैद में हूं, मेरा जुर्म भी संगीन है, मैं थोड़ा अलग सा हूं, मेरे पर भी रंगीन है। अगर आजाद हुआ तो मैं भी पर फैलाऊंगा, पर लौट कर कभी इंसानों में ना आऊंगा, क्योंकि बहुत दिन हुए अपना जहां नहीं देखा, पर हैं पर आसमां नहीं देखा। थैंक यू सो मच। एंड कुछ लाइंस मैंने यहां के लिए लिखी हैं, स्पेशली यहां के लिए, ये सब मैं पढ़ चुका हूं और भी जगह, लेकिन परसों रात में बैठा था तो मैंने सोचा कृतिका की इवेंट पे जा रहे हैं तो वहां के लिए कुछ स्पेशल सा होना चाहिए, तो ये यहाँ की सारी गर्ल्स जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं सबको डेडिकेट कर रहा हूँ, और उन लड़कों को मैं गालियां देने जा रहा हूँ जो लड़के चौराहे पे खड़े होकर मेरी बहनों को गलत निगाह से देख रहे हैं। एक शायर गाली बकता है, कैसे बकता है सुनो यार, और तुम लोग सुनो जो मेरी बहनों को देखते हो ना चौराहे पे खड़े होकर, वो लोग सुनो, कैमरे से बोल रहा हूँ, शायद ये शूट हो रहा होगा और ये शायद आप अपलोड करोगे कहीं, तो सुन लेना भाई मेरे, ये आप लोगों के लिए है, कि उसके सीने के दुपट्टे के खिसकने का इंतजार कैसा, उसके सीने के दुपट्टे के खिसकने का इंतजार कैसा, और अगर ऐसा है तो अपनी बहनों के सिर पर रिदा का अख्तियार कैसा। रात की तारीकी में चेहरे के सिवा देखना है कुछ और भी, और दावे हैं मोहब्बत के प्यार के, तो ये प्यार कैसा। किसी चौराहे पर लोगों से उसके जिस्म के हिस्सों का जिक्र, ये कैसी नुमाइश है तुम्हारी और ये इश्तिहार कैसा। और ये गाली भी सुन लेना कि जहां से आए हो उस जगह की इतनी हवस है क्यों, क्यों जानवर बन रहे हो ये मासूमों का शिकार कैसा। मर्द से पैदा हो तो मर्दानगी बाकी रखो खुद की, ये नशा कैसा दरिंदगी कैसी बलात्कार कैसा। चलो इसके बारे में बयान नहीं करूंगा, सीधे बोलना शुरू करता हूं कि मेरे सब्र के इम्तिहान अब कैसे लोगे, मैं मर गया हूं मेरी जान अब कैसे लोगे। अब ना ही कोई सवाल ना कोई बात करनी है, न याद दिन में न यादों में रात करनी है, मैं गिरूंगा खुद और खुद समझ जाऊंगा, दिल रोएगा मेरा मैं फिर भी मुस्कुराऊंगा। तुम मान भी जाओ, इसको मैं थोड़ा सा एटीट्यूड में बोलता हूं, कि तुम मान भी जाओ पर अब मैं मानूंगा नहीं, सामने आ भी जाओ पर अब पहचानूंगा नहीं। तुम आवाज दोगे पर मैं मुड़कर ना देखूंगा, जितना तोड़ा है ना तुमने उतना जुड़कर देखूंगा। तुम्हें याद होंगी वो कस्में जो खाई थी मैंने, बहुत मुश्किल था निभाना निभाई थी मैंने। ये सब कहना है तुमसे और पता है क्या होगा, सामने होगे तुम मुझसे ना कुछ बयां होगा, मेरी जुबान मेरा साथ ना देगी उस दम, मेरी जान फिर मेरी जान लेगी उस दम,
मेरे हाथ थाम लेंगे तुम्हारा हाथ फिर से, मैं हंस के करूंगा तुमसे हर बात फिर से। बात रही तकलीफ की मेरे लब पर कभी ना आई है, दर्द बे इम्तिहा है पर होठों पर हंसी सजाई है। जब तक खुद से ना कर लोगे तुम महसूस इनको, जख्म कासिम के हैं मैं रख सकता हूँ महफूज इनको। एंड द लास्ट वन, इसका नाम है तस्वीर। इससे हर आदमी रिलेट कर लेगा, मतलब कोई भी एज ग्रुप हो वो भी रिलेट कर लेगा, और लड़का लड़की सब लोग रिलेट कर लेंगे। इसका नाम है तस्वीर। इसका एक क्लाइमैक्स है, और क्लाइमैक्स में ही थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की, बाकी तो ऐसी बकबक की है मैंने। तस्वीर ऐसे है कि आज रास्ते पे पड़ी मुझको एक तस्वीर मिली, मुझको मेरे ही जैसी एक तकदीर मिली। आंखें थकी हुई थी, शायद सोया नहीं था वो। तकलीफें चेहरे पे थी पर रोया नहीं था वो। कांधों पर गोश्त नहीं था, जिम्मेदार था वो। आंखों में शर्म नहीं थी, ईमानदार था वो। हाथ उठाता था तो उंगलियां कांप जाती थी। शायद बहुत सहा था उसने, बहुत सुनी थी सबकी, पर शायद ना कुछ कहा था उसने। जैसे सूखे हुए फूलों का सेहरा था चेहरे पर, हजारों तकलीफें और एक मुस्कुराहट का पहरा था चेहरे पर। मेरे दिल ने कहा इस शख्स से मुलाकात करूं, कुछ देर ही सही इस शख्स से मैं कुछ बात करूं। पूछा लोगों से आस पास के, क्या जानते हो इसे, यहीं का लगता है ये शख्स, पहचानते हो इसे। कोई हंसा, किसी ने देखा मुझे अजीब निगाह से, उस तस्वीर के साथ लौटाया मैं उस राह से। एक दोस्त मिला, हर बात बताई उसको, उस शख्स को लेके जो फिक्र थी जताई उसको। पूछा उससे कि यार जब भी पूछता हूं इसके बारे में लोग हंसते हैं, इसका क्या मायना है। बताया उसने, भाई तुम्हारे हाथ में तस्वीर नहीं है, आईना। सबका एक पोयम है हमारी, समंदर उसका नाम है। समंदर कुछ इस तरीके से, वो जल्दी, क्योंकि सच में वक्त कम है और मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। समंदर ऐसे है कि मेरी किसी से कॉन्वर्सेशन है कि बहुत तमन्ना थी ना तुम्हें समंदरों के सैर की, और मैंने वादा भी किया था हर सफर में साथ चलने का, पर बताया था मैंने मुझे तैरना नहीं आता और ना ही इल्म है मुझे इन पानी के रास्तों का। अच्छा दो कश्तियां क्यों, फिर तुमने जवाब दिया कि अगर एक कमजोर हुई तो दूसरी लौट कर आने के लिए, तुम्हारी कश्ती तुम्हारा सदका और मेरी दुआ मुझे याद और सफर पे जाने के लिए। बहुत दूर हूं किनारे से यार, मैं तो लौट भी नहीं पाऊंगा। तुम्हारी मुस्कुराहट और वो लफ्ज, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा। बहुत थक गया था शायद कुछ देर को मैं सो गया, और मेरे दोस्त तू जाने कहां पर खो गया। आज अकेला हूं मैं बीच समंदर आसमान तले, शाम का वक्त रात करीब, अंधेरे से मेरा डर और याद में मेरा वो घर। दूर दिखती तो है जमीन पर लोग अनजान है, यार अब तो अटकी सांसों में मेरी जान है। लो रात हो गई, अब सुबह का इंतजार करूं या तेरे वादों को सोचूं और खुद को बेकरार करूं। अब सवेरे की उम्मीद करूं या रहने दूं, अब रोक लूं कलम या इसे कहने दूं। चलो खामोश हुआ मैं अब, तुझे कोई और काम होगा, तेरे जिक्र के लिए माफी पर कहीं पर ना तेरा नाम होगा।